वी वेलकम यू। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू ऑन दिस न्यू लेसन ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज मैप्स। व्हेन वी से मैप्स, यस, रिकॉर्डिंग इज टेकिंग प्लेस बेटा, इज टेकिंग प्लेस। टुडे आई एम टीचिंग फ्रॉम मोबाइल, सो इट इज रिकॉर्डिंग इज टेकिंग प्लेस इन मोबाइल ओनली। ओके, सो हियर इज योर मैप विच यू हैव सीन फ्रॉम योर चाइल्डहुड, योर टीचर्स इन द नर्सरी क्लासेज, दे माइट हैव टोल्ड अबाउट द मैप्स एंड ग्लोब्स। यू हैव मेड ग्लोब्स इन योर प्रोजेक्ट इन द नर्सरी क्लासेज विद योर ग्रेट ग्रेट प्राइमरी टीचर्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ देम एंड पेरेंट्स ऑल्सो। आपके सामने कुछ मैप्स दिखाई दे रहे हैं, मैप्स के बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आप मैप देख लो और उस पर कुछ जो लिखा हुआ उसको पढ़ने का प्रयास करो। नॉट नेसेसरली यू हैव टू गो इन डीप, लेकिन देखो एक लिखा हुआ फिजिकल, ठीक है, दूसरा हमारे सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा, पॉलिटिकल, और इसमें बहुत सारे स्टेट दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक तीसरे टाइप का मैप दिखाई दे रहा है जिस पर एनुअल रेनफॉल लिखा हुआ है, रिमाइंड, और उसको हम थेमेटिक मैप का नाम देते हैं। मतलब इस मैप को अलग अलग मैप को देखने से हमारे दिमाग में एक बात तो समझ में आती है कि मैप कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये तो आपने अलग अलग तरीके के मैप देखे होंगे अपने आसपास, अपने घरों में, अपने एटलस की बुक्स में। तो जिनके पास भी एटलस की बुक है वो बहुत तरह के मैपों को बड़े आराम से देख सकते हैं। वैसे जिन बच्चों के पास एटलस नहीं है उनको लेना चाहिए, जो हाँ, वेरी गुड। और मैं एटलस से बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल जाती हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध हैं जिनसे आप इस तरह की जानकारियाँ ले सकते हैं। फिलहाल हम मैप की बात करेंगे। जब बच्चे हम मैप की बात करते हैं ना, तो आपके दिमाग में तो एक ड्राइंग आ जाती है, एक तरह का नक्शा आ जाता है। हमने अभी भारत के अलग अलग तरह के चरित्र को दिखाया, मैप के चरित्र को दिखाया, मैप को दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब इसके जब डिफिनीशन की बात आती है ना, हाउ टू डिफाइन इट, कि मैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो बेसिकली देखो मैप क्या होता है बेटा, एक ड्राइंग होता है, ठीक है। अर्थ का जो सरफेस है, जितना सरफेस, अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत का जो अर्थ का एरिया है, जो धरती का वह हिस्सा जिसको भारत ने अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, या सदियों से ऋषि मुनियों की परंपराओं से लेकर जो विभिन्न राजा इस देश में हुए, और फिर 1947, मैं बोल रहा हूँ बेटा, 1947 के बाद हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है ज़मीन का हिस्सा, और जिसको हम अभी आपके सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हमारे भारत का मैप है, भारत का हिस्सा है। जैसे अगर हम कहें कि स्कूल, तो एक स्कूल की बिल्डिंग आती है। जब हम मैप कहते हैं तो मैप में सबसे पहले हमारे दिमाग में भारत का नक्शा आता है, विश्व का नक्शा आता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में आते हैं, पाकिस्तान का नक्शा आएगा, अफगानिस्तान का नक्शा आएगा, ठीक है। तो मैप क्या है एक्चुअली, तो ये एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है जिसको कहते हैं, और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस, और इसका कोई हिस्सा, और अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस पर जब इसको बनाया जाता है, एक निश्चित तरीके से बनाया जाता है, जो निश्चित तरीका होता है ना, जैसे अगर मान लो किसी का फोटो बनाना है, तो क्या आप अगर 10 इंच का फोटोग्राफ है तो आप 10 इंच का उसका चेहरा बना सकते हो और 1 इंच में पूरी बॉडी बनाओगे? नहीं ना, बोलो बेटा, नहीं बनाओगे ना। अगर अगर किसी की हाइट 10 इंच की है मान लो, या 20 इंच का आप मान लो कोई एक कार्टून बनाते हो, तो या कोई किसी का फिगर बनाते हो, कार्टून में तो कुछ भी बना सकते हो, एक आप किसी का स्केच बना रहे हो कि चेहरा बना रहे हो मान लो, तो 10 मान लो उसको, तो उसकी पूरी बॉडी को 12 इंच की बॉडी बनानी है मान लो टोटल, तो उसमें से 10 इंच जो है केवल उसका चेहरे का तो नहीं बनाओगे ना बेटा, हाँ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कार्टून बन जाएगा फिर, ठीक है। कार्टून में तो फ्री होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, थोड़ा सा हंसी आ जाए। जब हम मैप बनाते हैं तो मैप को समझना होगा कि ये क्या है। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट्स एरिया ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। जो तरीका है, निश्चित तरीका जिसकी बात कर रहे हैं ना, उसको हम स्केल कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। अभी सारे मैप को देखो, देखने में सब एक तरीके के दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का
जम्मू कश्मीर अलग तरीके का दिखाई दे रहा हो, सारे मैप में जम्मू कश्मीर सब एक ही तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर गुजरात को देखो तो गुजरात सब एक ही तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। तो पूरा भारत जो है एक तरीके का, जो एक अगर अपनी बॉडी से तुलना करो, श्रीलंका देखो सब में एक तरीके का दिखाई दे रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि हमने एक स्केल लिया हुआ है, एक तरीका लिया हुआ है। देखो हर मैप पर एक नीचे लिखा हुआ ना किलोमीटर, देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इसी को स्केल कहते हैं, ठीक है। देखो दिखाई दे रहा है ना स्केल, है ना। इसके बारे में हम और जानकारी हम आगे लें, हाँ अभी हम और जानकारी आगे लेंगे, लेकिन अभी तो आप समझ गए ना कि मैप से हमारे दिमाग में किस तरीके का चित्रण होता है, किस तरीके की चीज़ें दिमाग में आती है। तो सारे अब देखो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टर्म्स देख लो जो कि आपको जानने जरूरी है, मैप क्या है, ठीक है। ये सारा आपको इसी में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मिल जाएगा, है ना, जो वीडियो बना रहे हैं इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा, आप इसे लिख सकते हो। ओके, तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है, मैप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ऑन पेपर। पेपर पर अर्थ, पृथ्वी या उसके किसी हिस्से का जो हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, जो एक निश्चित स्केल के आधार पर होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। अब मैप, अभी हमने एटलस की चर्चा की, तो व्हाट इज एटलस देख लो, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, ठीक है। बहुत सारे मैप को एक बुक के फॉर्म में जो हम लिखते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं और कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसी को हम एटलस करते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ मैप्स इन द फॉर्म ऑफ बुक। अब यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कार्डिनल पॉइंट्स है, कन्वेंशनल पॉइंट्स है, साइंस ऑफ साइंस और सिंबल्स हैं, स्केच है, प्लेन प्लान और स्केल, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं कि कार्डिनल पॉइंट्स क्या है। फोर पॉइंट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसको याद रखने का तरीका क्या है, NEWS, न्यूज़, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, न्यूज़। न्यूज़ करके आप आसानी से याद कर सकते हो कार्डिनल पॉइंट्स। कोई आपसे अगर पूछे कि व्हाट आर द कार्डिनल पॉइंट्स, तो आप कह सकते हो न्यूज़। आर गेटिंग पॉइंट, ठीक है, बोलो बेटा, ठीक है। कन्वेंशनल सिंबल्स और जो क्या, वो क्या होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंस और सिंबल्स ड्रॉन ऑन मैप्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन फीचर। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब कुछ सिंबल्स ऐसे हैं जो सबके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। आप सड़क पर जब चलते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिंबल्स, कभी रुकने का सिंबल्स, आप ट्रैफिक लाइट में जब जाते हो तो हमने सबने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया ना कि रेड होगा तो आपको रुकना है, येलो होगा तो रेडी होना है, ग्रीन होगा तो चले जाना। दीज आर द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स विच मॉडर्न पीपल आर फॉलोइंग, जो आजकल के लोग उसको फॉलो करते हैं। पुराने ज़माने में कुछ सिंबल्स थे जो ट्रेडिशनली जो वहाँ के लोग अपने विजडम के अनुसार, अपने यूज के अनुसार फॉलो करते थे, ठीक है। नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, ब्रिज है, पुल है, मंदिर है, किसी को लोकेशन बनाना हो, बताना हो, तो आप अगर घर से अपने स्कूल आने का लोकेशन बताओ कि कैसे जाना है, मैप बताओ, तो आप घर से निकलोगे, पालम की रेलवे क्रॉसिंग आ गई तो रेलवे क्रॉसिंग को दिखाओगे आप, ठीक है। फिर वहाँ से जाओगे तो आपका एयरफोर्स का स्टेशन पड़ेगा, फिर आगे बढ़ोगे एयरफोर्स म्यूजियम पड़ेगा, फिर वहाँ एक टेम्पल का चित्र बना दोगे, जैन टेम्पल, वो महावीर टेम्पल, उसको आप लिख दोगे कि ये टेम्पल है, फिर वहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर मानिकशा ग्राउंड आएगा। ये दिस इज़ व्हाट मैप यू आर मेकिंग ऑफ योर प्लेस, ठीक है। तो आप लोग सब लोग अपने घर से स्कूल का एक मैप तैयार कर लेना, एक आपके लिए असाइनमेंट हो गया, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स क्या है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइन और सिंबल्स ड्रॉन ऑन मैप्स टू रिप्रेजेंट सर्टेन फीचर। कुछ खास तरह के फीचर्स उसमें मौजूद रहेंगे और उसके द्वारा हम किसी भी स्थान का एक फिगर बनाते हैं, एक मैप जिसको कहते हो, एक लोकेशन बनाते हैं, एक उसका इमेज बनाते हैं, उसी को हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स कहेंगे, ठीक है। अब स्केच क्या होता है, देखो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर, इट इज़ अ ड्राइंग नॉट मेड अकॉर्डिंग टू स्केल, है ना। किसी खास पैमाने के आधार पर जब हम नहीं बनाते हैं, एक रफ, जैसे मैं आपको कभी कभी क्लास में इंडिया का मैप बनाता हूँ तो कैसे जल्दी से खींच के बना देता हूँ, देखा है आपने, है ना, इंडिया का मैप बना दिया, है ना,
तो ये क्या है, ये किसी स्केल पर आधारित नहीं है, इसलिए जितनी बार मैं बनाऊंगा हर बार इंडिया का मैप अलग अलग बनेगा, क्योंकि वो निश्चित स्केल पर नहीं बना, एक निश्चित तरीके से नहीं बना। तो इसी को हम स्केच कहते हैं, इज अ ड्राइंग नॉट मेड अकॉर्डिंग टू स्केल एंड शोइंग ओनली लिमिटेड फीचर्स। ठीक है, प्लान क्या होता है, ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया बाय यूजिंग अ वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल प्लान जो होता है, ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया बाय यूजिंग अ वेरी लार्ज स्केल शोइंग माइन्यूट डिटेल्स। ठीक है, छोटी छोटी बातों को उसमें इंडिकेट किया जाता है, ठीक है, उसको हम प्लान कहते हैं। अब आता है स्केल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मैप को की ड्राइंग करने के लिए। ठीक है आदिति बिष्ट बेटा, इसमें मत ज्वाइन करो, डोंट ज्वाइन इन दिस ग्रुप। ठीक है, तो द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ये आप इसको समझो, स्केल क्या होता है, रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप, मैप में जो डिस्टेंस दिखाया गया है दिल्ली से पानीपत के बीच में, जहाँ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 1526 में हुआ था। ठीक है, तो जो फर्स्ट बैटल मतलब पानीपत और दिल्ली के बीच में, या दिल्ली या लखनऊ के बीच में जो डिस्टेंस है मैप के ऊपर, ठीक है, मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है उसका और ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है उसका जो रेशियो होता है ना, उसी को हम स्केल कहते हैं। द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है, उसको हम एक स्केल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको आप याद रखिएगा बस। देखो, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया इस ज्योग्राफी को आगे बढ़ाने में, उसमें एक नाम आता है लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है, 15 अप्रैल 1452 से 2 मई 1519 तक इनका जीवन था, और इनको माना जाता है कि इन्होंने रिनासा मतलब पुनर्जागरण जो है यूरोप में हुआ था, जिसमें लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था, हाउ व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग, व्हाई स्टार्स आर ट्विंकलिंग। जब हम व्हाई एंड हाउ लगाते हैं तब जाकर आपका डेवलपमेंट होता है, तब जाकर आपका विकास होता है, पॉइंट समझ रहे हो, तब आप जाकर नई नई चीज़ों की खोज करते हैं। तो रिनासा में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, आप इसको देखो। तो लियोनार्डो द विंसी, ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड ह्यूमन बीइंग ऑफ इटालियन ओरिजिन, जन्म इटली में हुआ और मल्टी टैलेंटेड थे। ठीक है, पेंटर भी थे, इंजीनियर भी थे, डॉक्टर भी, इस तरह का इनका टैलेंट था। ठीक है, बहुत सारे तरीक़ों के स्कल्पचर भी थे, है ना, मूर्ति वगैरह सब बहुत बढ़िया बनाते थे, इनकी यूरोप में जगह जगह मूर्तियाँ लगी हुई हैं, म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड ह्यूमन बींग ऑफ इटालियन ओरिजिन, इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट नॉलेज एंड वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटीज, ओके, ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ, क्या बेटा, हाँ मैं आपकी आवाज़ नहीं समझ में आ रही है मुझे। ठीक है, हाँ बोलिए सर। इनको वर्ल्ड का सबसे होशियार आदमी भी कहा जाता है? नहीं, होशियार तो मैं नहीं कहूँगा, टैलेंटेड जरूर कहूँगा। होशियार तो जो कहा जाता है कि आइंस्टीन को कहा जाता है कि उन्होंने अपने ब्रेन का सबसे अधिक यूज किया, और मेरा मानना है कि हाँ, मेरा मानना है कि जो ये देखो बेटा, एक बात समझ लो कि हर विद्वान की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन ये भी बात समझ लो कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो किताबों में मेंशन इसलिए हैं, और किताबों में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू, चूँकि हम अंग्रेज़ों ने इस देश पर बहुत लंबे समय तक शासन किया, तो उनकी कही हुई बातों को भी हम ज़्यादा ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं वो जो इतिहास है हमारा, जो इस देश में जो पुराने जो समाज में लोग थे जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया, उनकी चर्चा नहीं इसलिए होती है क्योंकि अंग्रेज इस देश पर और पूरे विश्व पर ज़्यादा दिन तक शासन किए, और उन्होंने इन चीज़ों को दबा के रखा, इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं होने दिया। अब बहुत सारे हमारे विद्वान इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, अमेरिका गए, अब वहाँ से बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो
वहाँ की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, लिखी हुई हैं, जो फैक्ट्स हैं जिसको हमसे छिपाया गया, ठीक है, वो चीज़ें धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं। अब उस पर नए नए रिसर्च हो रहे हैं और वो चीज़ें फैक्ट्स क्या है वो निकल कर आ रहा है। जैसे मैं कुछ ग्रुप से जुड़ा हूँ जो इंग्लैंड और जर्मनी में है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वहाँ से कुछ नई नई जानकारियाँ मुझे भेजिए, वहाँ के लाइब्रेरी में जाइए, हाँ, और मुझे निकालिए इस देश के बारे में जो हमसे छिपाया गया, जो जानकारियाँ हमसे छिपाई गई। तो कभी कभी मुझे ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो मैं कभी कभी आप लोग शेयर करता हूँ। कुछ बुक्स हमारे पास हैं जिन लोग मैं अलग अलग लोगों से मैंने मंगाया, पढ़ा, तो वो जानकारियाँ आपकी किताबों में नहीं है, तो मैं कभी कभी एक्स्ट्रा आप लोगों से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका आप नाम नहीं जानते हो, अगस्त ऋषि से लेकर, हाँ, वाल्मीकि से लेकर, जिन लोगों ने जो सूर्य की जो गणना है, चंद्रमा की जो गणना है, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल जो मूवमेंट है उसके बारे में सब कुछ लिखा, श्लोक में लिखा, और उसको हम नहीं जान पाए, हमसे छिपाया भी गया, और हमारी अज्ञानता भी थी, और हमारे ऊपर जो अटैक्स जो बाहर से हुए जिसकी वजह से हम पठन पाठन से दूर होते गए। इसको ऐसे समझो कि घर में आप पढ़ाई कर रहे हो और कोई आके घर के बाहर हल्ला करने लगे, आपके पेरेंट्स से झगड़ने लगे, तो आपका पढ़ने में मन लगेगा नहीं। तो उसी तरह प्राचीन समय में भी ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर जब बहुत सारे आक्रमण होने लगे, क्योंकि जब आदमी बहुत विद्वान हो जाता है ना, तो वो सीधा हो जाता है, वो लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करता है, समझ लो। तो हमारे देश के लोग बहुत प्रॉस्परस थे और इसीलिए बाहर से बहुत सारे कंट्रीज के लोग आए और उन्होंने इस देश पर अटैक किया और इस देश की सभ्यता संस्कृति सबको सबका विनाश किया। गेट यू पॉइंट? तो आप ये समझ लो कि बहुत सारी जानकारियाँ, खैर मैं इतना एलोबरेट नहीं करना चाहता था, चूँकि आपने बोल दिया इसलिए मैं इस पर कर दिया। चलिए, तो ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड ह्यूमन बींग, नो डाउट ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड, ठीक है। आइंस्टीन बहुत महान थे, न्यूटन बहुत महान थे, किसी के बारे में मेरा नहीं, लेकिन अपने लोगों की महानता को कम करके आंकना मुझे ये बर्दाश्त नहीं। चलिए इसको मैं पढ़ लूँ, इसके बाद बेटा और भी क्वेश्चन लूँगा मैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट नॉलेज एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट नॉलेज एंड वाइड एरिया ऑफ एक्टिविटीज ही इज डिस्क्राइब्ड एज द रिनासा मैन, मतलब पुनर्जागरण, जो नई सोच जो डेवलप हुई, विज्ञान के प्रति जो जागरूकता लोगों के अंदर पैदा हुई, ठीक है। आपको विज्ञान नहीं मालूम है, आप अपने पुराने जानकारी पर पड़े हुए हो, आप दुनिया को आप बेवकूफ़ समझोगे, दुनिया आपको बेवकूफ़ समझेगी। ओके, ही इज डिस्क्राइब्ड एज अ रेनासा मैन, दैट इज अ मैन ऑफ अनक्वेंचेबल क्यूरियोसिटी, ठीक है, मतलब जिसके जिसकी क्यूरियोसिटी को समाप्त नहीं किया जा सके, ठीक है। आर गेटिंग पॉइंट? सो ही वॉज एन अकम्प्लिश्ड पेंटर, देखो पेंटर भी थे, आर्टिस्ट कलाकार भी थे, स्कल्पचर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, इंजीनियर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, इन्वेंटर भी थे, ठीक है, एनाटोनोमिस्ट भी थे, जियोलॉजिस्ट भी थे, बॉटनिस्ट भी थे, कार्टोग्राफर भी थे, राइटर भी थे, सब कुछ ये थे, इसलिए इनको कहा गया मल्टी टैलेंटेड पर्सन, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो लियोनार्डो दा विंची को एक बार हमारी नई जनरेशन की तरफ से सैल्यूट। अब आते हैं इस पूरे लेसन को समझने के लिए, एक आपके पास फ्लो चार्ट है, हाँ, जिसमें आपको दिखाया गया है कि टाइप्स ऑफ मैप, आपका आपके बुक में स्टार्टिंग इसी यहीं से होती है, टाइप्स ऑफ मैप, जिसको हम यहाँ फ्लो चार्ट से दिखा रहे हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, थेमेटिक मैप, जिसको हमने देखो यहाँ से स्टार्टिंग किया, ये मैप से स्टार्टिंग किया था ना बेटा, ठीक है। तो ये, हाँ, तो ये यहीं से स्टार्टिंग होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले उसी को दिखाया था। अब हम आते हैं इसको फ्लो चार्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। मैप तीन प्रकार के होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थेमेटिक मैप। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, ठीक है, जो प्राकृतिक जो फीचर्स हैं, नेचर के जो फीचर्स हैं उसको जो दिखाता है, ठीक है। नेचर के फीचर्स क्या हैं, जिसको नेचर ने बनाया है। माउंटेन को किसी जाह्नवी ने नहीं बनाया, माउंटेन को किसी भाव्या ने नहीं बनाया, माउंटेन को किसी सरस्वती जी ने नहीं बनाया है, माउंटेन को किसी और जी ने नहीं बनाया है, ठीक है। तो माउंटेन जो है, नदियाँ जो है, तालाब है, प्लेन्स हैं, ये सब नेचर के क्रिएशन है।
तो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स आर कॉल्ड फिजिकल मैप। ये तो क्लियर हो गया ना बेटा? ठीक है, अब इसको देखना है आपको, तो आप एक बार देख सकते हैं फिजिकल मैप हमारा कहाँ है। देखो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने का देखो इसमें क्या क्या दिखाया गया है, माउंटेन रेंज, प्लेट्यू, प्लेन्स, सबको अलग अलग कलर से दिखाया गया है। जब भी आप मैप बनाओगे तो ये कलर का ध्यान रखना है कि अलग अलग कलर से हमको दिखाना है। माउंटेन देखो, जहाँ जहाँ हिली एरिया है वहाँ माउंटेन होगा, ठीक है। साउथ में प्लेट्यूज होगा, देखो साउथ में देखो प्लेट्यू दिखाया गया ना, साउथ का रीजन देखो प्लेट्यू दिखाई दे रहा है ना, देखो ये सब डेक्कन प्लेट्यू लिखा हुआ है ना, हेलो पॉइंट। ये देखो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो झारखंड और बिहार और ये सब एरिया में पाया जाता है, ठीक है। गेटिंग पॉइंट, हाँ। तो अब आते हैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप को कैसे डिफाइन करेंगे? मैप शोइंग द कैपिटल स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटीज, कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। राजधानियों को दिखाएगा, स्टेट्स को दिखाएगा, टाउन्स को दिखाएगा, देश को दिखाएगा, और ये आपके सामने आ गया देखो पॉलिटिकल मैप। देखो हमको मालूम है, मैप देखने से मालूम हो रहा है कि तमिलनाडु का एरिया कितना है, मैप देखने से हमको मालूम हो रहा है कि हमारा केरला का एरिया कितना है, ग्रीन पॉइंट। मैप देखने से हमें मालूम हो रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात टू जम्मू कश्मीर और आसाम, मेघालय, इनके एरिया के बारे में हमको जानकारी मिल रही है। तो हमने जो पढ़ा बिल्कुल सही है कि मैप शोइंग द कैपिटल स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, सिटीज, कंट्रीज एंड देयर बॉर्डर्स आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स, ठीक है बेटा? ठीक है, इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मैप शोइंग द स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्रीज आर नोन एज पॉलिटिकल मैप। अब आते हैं थेमेटिक मैप के ऊपर। थेमेटिक मैप क्या है? मैप्स ड्रॉन टू शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रेन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन, क्रॉप पैटर्न, नेटवर्क ऑफ रोड्स, रेलवेज आर कॉल्ड थेमेटिक मैप। मैप जो एक खास उद्देश्य से लेकर मैप जो बनाया जाता है उसको हम थेमेटिक मैप कहते हैं। भारत में रेल का नेटवर्क दिखाना है, भारत में रोड का नेटवर्क दिखाना है, ठीक है, तो इस तरह के मैप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। थेमेटिक मैप देखो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल को दिखाया गया है, ठीक है, और आप देखो अलग अलग जगहों के जो रेनफॉल हैं उसको दिखाया गया, अंडर 60 सेंटीमीटर, 60 टू 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर और ओवर 200 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ जहाँ जैसी बारिश होती है उसको दिखाया गया है। केरला में देखो बारिश सबसे ज़्यादा होती है, दिखाई दे रहा है ना, और सबसे ज़्यादा बारिश भारत में होती है मौसिन राम में जो मेघालय में है, ठीक है, हाँ मौसिन राम, ठीक है, तो मौसिन राम में सबसे अधिक बारिश होती है, पहले चेरापूंजी में होती थी लेकिन अब मौसिन राम का नाम आने लगा है। तो इस मैप में हमने केवल रेनफॉल को लिया है तो ये थेमेटिक मैप हो गया। इसी तरह हम इसमें रोडवेज को दिखा सकते हैं, रेलवेज को दिखा सकते हैं, एयर रूट्स को दिखा सकते हैं, कुछ भी इस तरह का दिखा सकते हैं, लेकिन जब एक मतलब कोई एक फीचर्स को हम हाईलाइट करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा थेमेटिक मैप। अब कंपोनेंट्स ऑफ मैप क्या क्या हैं, ठीक है, स्केल ऑफ मैप सबसे बड़ी चीज़ होती है, स्केल होता है मैप में। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, जो कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनका डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। अगर मैप में कोई पूछे कि नॉर्थ किधर होता है तो जिधर जम्मू कश्मीर है ना उधर नॉर्थ हो गया, जिधर श्रीलंका है उधर साउथ हो गया, जिधर गुजरात है उधर वेस्ट हो गया, और इधर अपने मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, वो हमारा ईस्ट हो गया। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप कौन कौन से हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, तो आप इसको लिख सकते हैं स्केल ऑफ मैप, डायरेक्शन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, सिंबल ऑफ कन्वेंशनल साइंस। ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लैरिटी एंड ऑथेंसिटी, ठीक है। ये जो तीन हैं मैप, ठीक है, विशाल यू शुड ज्वाइन इन द अंदर लिंक बेटा, दिस लिंक इज नॉट वर्किंग, ओके। सर क्लास ओवर हो गया।
नहीं बेटा, दूसरा लिंक जो सबसे लास्ट में भेजा था ना, उस लिंक से ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है? दिस लिंक इज नॉट वर्किंग, ओके। चलिए, तो तीन जो ऊपर के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मैप के। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, स्केल ऑफ द मैप, कोई भी मैप स्केल के बेस पर होता है, ठीक है? कोई भी मैप जो है, ठीक है बेटा, तो कोई भी मैप जो है, अभी नहीं आ रही है आवाज, नहीं आ रही मेरी आवाज, नहीं आ रही मेरी, हाँ चलो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना बेटा, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। हाँ मैं रिपीट भी तो करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है? एक ही कॉन्सेप्ट को मैं कई बार बोलता हूँ, ठीक है? तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप जो है बेटा, उसके जो कंपोनेंट देखिए, स्केल ऑफ द मैप, एक मैप में स्केल होना चाहिए, नहीं तो मैप क्या हो जाएगा, मैप का जो शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है? उसका साइज बिगड़ जाएगा, ठीक है? और साइज कुछ भी रहेगा, लेकिन अगर स्केल पर बना रहेगा तो सुंदर लगेगा। डायरेक्शन ऑफ द कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, वो होना चाहिए मैप में, तो पता चलेगा कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिंबल्स और कन्वेंशनल साइंस, अगर सिंबल्स हैं तो लोगों को पहुंचने में, लोगों को डिटरमाइन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे अगर आपको थेमेटिक मैप बनाना है और आपने सिंबल्स नहीं दिया, आपको मैप में रिप्रेजेंट करना है इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क हिमालयन माउंटेन, तो हिमालयन माउंटेन की जगह आप एक लंबी लाइन खींच दो, रिवर की तरह बना दो या पॉन्ड की तरह का सिंबल बना दो, तो देखने वाले को बड़ी दिक्कत होगी, समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पर माउंटेन है कि लेक है, ठीक है? और पता चला कि वो घूमने जा रहा है और लेक समझ के, और पता चला कि वहां पर वो ठंडक इतनी लग गई कि वो मर गया। इसलिए कि आपको ये सिंबल्स बनाने पड़ेंगे, और सिंबल्स बनाने से सामने वाले को जानकारी मिलती है, उसको बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कम समय में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर लेगा। सो ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्लैरिटी एंड ऑथेंसिटी। दीज कंपोनेंट्स मेक द स्टडिंग ऑफ मैप्स ईजियर एंड कन्वीनियंट, ठीक है, आसान बनाते हैं। नेक्स्ट है, अ ड्रॉइंग ऑफ एन एरिया विदाउट एनी स्केल इज कॉल्ड स्केच। अगर आप मैप के चक्कर में कोई ड्रॉइंग कर रहे हो, ठीक है, और वो किसी स्केल पर आधारित नहीं है, तो उसको मैप जो है, मैप हमेशा स्केल पर आधारित होता है और उसको हम स्केच कहेंगे। स्केच क्या होता है? कोई भी ड्रॉइंग जो बिना किसी स्केल के होता है, ठीक है? यहाँ पर हम रिपीट कर रहे हैं, अ प्लान इज द ले आउट ऑफ एनी बिल्डिंग डिस्प्लेइंग द डिटेल्स एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स। प्लान क्या होता है? ले आउट ऑफ एनी बिल्डिंग, ठीक है, किसी भी एरिया का हम एक प्लान्ड स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, प्लान्ड रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, और उसके सारे फीचर्स को हम दिखाते हैं, आसपास जो भी घटनाएं वो इम्पॉर्टेंट जो भी फीचर्स हमको दिखाई देते हैं, जिसको नोटिसेबल है, जो जिसको हम रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं, तो उसको हम प्लान कहेंगे, ठीक है? अब देखो ये सारी चीज़ें हमारी रिपीट हो गई हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, स्केल के बारे में हमने बातें कर ली हैं, ठीक है, लेकिन एक बार फिर देख लो कंपोनेंट्स ऑफ, क्या बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? चलिए, तो स्केल है क्या? डिस्टेंसेज आर शोन विद द हेल्प ऑफ स्केल। दूरियों को हम स्केल के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है, यहाँ से हमारा स्कूल केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट 8 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमको इस स्केल का यूज करेंगे और मैप पर अकॉर्डिंगली हमको दिखाना होगा, ठीक है। इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप, ठीक है। वास्तव में क्या डिस्टेंस है ग्राउंड पर और मैप पर हमको कितना कितना डिस्टेंस हमने निकाला है, उस दोनों का जो रेशियो होगा, मान लो मैप पर हमने दिखाया है 1 सेंटीमीटर और ग्राउंड में 8 किलोमीटर है, तो 1:8 ये हमारा स्केल बन जाएगा, ठीक है।
तो डिस्टेंस आर शोन विद द हेल्प ऑफ स्केल, इट इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड